हेलो एवरीवन, दिस इज़ चौधरी उमारा जोरा। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। ऑलरेडी सब लोग जान चुके हैं थंबनेल देखकर कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वेल, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है जो सिंगिंग कर रहे हैं या स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या सीख रहे हैं कि गला अच्छा करने के लिए, गले की आवाज़ और अच्छी करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सो, मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ। मैं वो चीज़ें बताऊँगी जो मेरे साथ वर्क करती हैं या फिर जो मुझे मेरे गुरुजी ने बताया है, मैं वो चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। सो, सबसे पहले तो ये कि खाने पीने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस। आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कितना टाइम दे रहे हो सिंगिंग को, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रॉपर रियाज कर रहे हो, प्रॉपर टाइम दे रहे हो सिंगिंग को और कभी कभी कुछ ऐसा खा ले रहे हो जो बेसिकली सिंगिंग में नहीं खाना चाहिए या अलाउ नहीं करता आपका गला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप केवल और केवल वो चीज़ खा रहे हो जो आपको बता दिया कि हाँ आपका गला अच्छा हो जाएगा, आप ये खा लो, ये मत खाओ, और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी होगी, तभी आपका गला अच्छा होगा। लेकिन किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है गले के साथ, वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बीमार हो, ऑलरेडी आपको कोल्ड हो रखा है, जुकाम हो रखा है, और उसके ऊपर से अगर आपने आइसक्रीम या ठंडा पानी पी लिया, आपका गला ऑलरेडी ख़राब है, उसके बाद और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपकी तबीयत वगैरह ख़राब है तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, मत लीजिए, आइसक्रीम मत खाइए, तीखा मत खाइए, इससे आपके गले को प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हो, नॉर्मल सब चीज़ें चल रही हैं, और कभी आपने महीने दो महीने में एक ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है खा ली, लेकिन आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हो, कंटिन्यूस रियाज कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका इम्यून सिस्टम, आपका गला क्या चीज़ अलाउ कर रहा है आपको खाने के लिए और क्या चीज़ नहीं अलाउ कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है अगर वो कुछ स्पाइसी खा लें तो उनके गले में खराश हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ठंडे से प्रॉब्लम होती है, थोड़ी आइसक्रीम वगैरह या ठंडा पानी पीने से उनका गला बैठ जाता है। अगर आप सिंगिंग कर रहे हो, सेम प्रॉब्लम अगर आपके साथ है, तो मैं यही बोलूँगी इन चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, ये आपके लिए और आपके गले के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद मैं क्या करती हूँ अपनी आवाज़ के लिए, मैं क्या करती हूँ, मेरा रूटीन क्या है मेरे गले के लिए, मैं वो आपको शेयर कर देती हूँ। मैं मॉर्निंग में उठ के गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ, मतलब मुझे पीना ही पीना है, आप भी यही कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ जितनी भी ये खट्टी चीज़ें लाइक गोलगप्पे हो गया, इमली हो गया, इन चीज़ों से मैं दूर हूँ, थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस बनाया हुआ है, क्योंकि ये मेरे गले के साथ वर्क नहीं करती, मेरे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया है। ठंडा पानी मैं नहीं पीती, बिल्कुल भी नहीं पीती। आइसक्रीम वगैरह मैं बिल्कुल नहीं खाती। जितनी भी स्पाइसी चीज़ें हैं लाइक मोमोज हो गए, मैं नहीं खाती। जितनी भी ये तली भुनी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा वाली, मैं वो भी नहीं खाती। वेल, अब तो ये लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गया है कि हमें खाना ही नहीं है बाहर की चीज़, घर वाले भी अलाउ नहीं करते, और मैं तो पहले से ही नहीं खाती। तो उसके साथ साथ आपको क्या खाना है मैं आपको एक बार वो भी बता देती हूँ। आप चाय पी सकते हो, लौंग, इलायची, ये सारी मुलेठी, ये सारी चीज़ें डाल के आप चाय पियोगे तो आपके गले को बहुत राहत मिलती है, बहुत अच्छा होता है आपका गला। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है क्योंकि मैं कभी कभी पीती हूँ ऐसी चाय, और नॉर्मली मैं अदरक और इलायची और लौंग वाली चाय पीती हूँ मॉर्निंग में। गर्म पानी मैं ज़रूर पीती हूँ, मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे लगते हैं, तो मैं आपको भी वही बता रही हूँ, आप ये पी सकते हो। बाकी जो आप खा रहे हो, नॉर्मल खाना आप खाओ, जो आप चीज़ें खा रहे हैं वो खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, वो चीज़ आपके गले को अलाउ करनी चाहिए। बस यही है कि इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखिए, और ठंडे से और तीखे से और थोड़ा खट्टे से, स्पाइसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए। लेकिन आप कभी कभी कर सकते हैं, जब आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा हो, आपकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस अच्छी चल रही हो, तो आप डेफिनेटली एक बार चीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप रेगुलरली ये चीज़ कर रहे हो तो वो आपको दिक्कत करेगी।
बाकी सब कोई जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यस ये डिपेंड करता है। और अगर आपको बहुत अच्छा सिंगर बनना है तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, एक और चीज़, कोल्ड ड्रिंक मत पीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक बहुत दिक्कत करती है गले को, तो आप कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी मत पीजिएगा। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो लोग सिंगिंग कर रहे हैं उनके साथ, शायद उनको थोड़ा पसंद आए ये वीडियो, शायद उनके लिए थोड़ी बेनिफिट करे। थैंक यू।